यूपी में विधानसभा सत्र शुरू होने से पहले सपा के विधायकों ने विधानसभा के बाहर सरकार के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया। सपा के विधायक पल्लवी पटेल ने एमकेएन से खास बातचीत कर कहा कि सदन में जो हुआ है वो स्पष्ट करता है कि भारतीय जनता पार्टी की जो सरकार है वो जन विरोधी है। आइए आपको सुनाते हैं विधायक पल्लवी ने आगे क्या कुछ कहा। यूपी में विधानसभा सत्र की आज शुरुआत हुई। शुरुआत में ही बड़ी हंगामेदार शुरुआत हुई। बातचीत करने के लिए मेरे साथ हैं सपा से विधायक पल्लवी पटेल जी। जिस तरीके से कल समाजवादी पार्टी ने पहले ही रणनीति बना ली थी कि सरकार को कैसे घेरा जाए, आज हंगामेदार शुरुआत हुई, किस तरीके से? देखिए, आज जो सदन में हुआ वो साफ तौर पर यह स्पष्ट कर देता है कि भारतीय जनता पार्टी की जो सरकार है वो जन विरोधी है। जिस प्रकार से आज आम जनता के सवाल उठाए गए उसकी परवाह तक नहीं है उनको, और उन्होंने उन जन मुद्दों पर चर्चा करना भी उचित नहीं समझा। सत्र शुरू होने से पहले ही प्रदर्शन हुआ, उसमें शिवपाल सिंह यादव भी साथ में रहे, तो क्या लगता है समाजवादी पार्टी में शिवपाल सिंह यादव इतने बार वापसी में साथ रहे हैं तो किस तरीके से मजबूत हुई पार्टी? देखिए, आज भारतीय जनता पार्टी की सरकार के खिलाफ जो सदन में पूरे विपक्ष ने एक साथ होकर के जिस प्रकार प्रदर्शन किया है तो उससे ये ज़रूर साबित होता है, और जिस प्रकार से सरकार ने उन मुद्दों पर चर्चा करना भी उचित नहीं समझा उससे ये तो साफ तौर पे हो गया है कि ये सरकार भारतीय जनता पार्टी की जन विरोधी होने के साथ साथ पुनः अपने आप को लोकतांत्रिक विरोधी होने की को भी साबित कर दिया उन्होंने। जी एक सवाल मेरा, मुख्यमंत्री जी ने कहा था कि विपक्ष संयम बनाए रख के सभी की बातें सुनी जाएंगी, सभी के मुद्दे सुने जाएंगे और जो भी मुद्दे हैं सरकार उनका जवाब देगी। देखिए, सदन जो है वो परंपराओं के लिए नहीं होता है, सदन जन भावनाओं और जन आकांक्षाओं के लिए होता है, और जो लोग वहाँ मांग कर रहे थे, जो लोग वहाँ मुद्दे उठा रहे थे वो उसी जनता के प्रतिनिधि बनकर वहाँ खड़े थे। प्रिया, तो ये थे मेरे साथ पल्लवी पटेल जी हैं जो सपा से विधायक हैं, जिन्होंने सीधे साफ तौर पर बताया कि सत्र में जिस तरीके से जनहित के मुद्दों को विपक्ष लगातार उठा रहा है और उठाता ही रहेगा। कैमरा पर्सन आयुष के साथ मैं अविनाश, एमकेएन न्यूज़।